हे गाइस, दिस इज अभिषेक पाटीदार। वेलकम टू अभिषेक पिक्चर्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे मैंने अपने फोटोज में मून मैनिपुलेशन एडिट वाला इफेक्ट यूज किया था और कैसे आप भी अपने फोटोज में वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं विद फॉलोइंग द सिंपल प्रोसेस। तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह की फ़ोटो आपको खिंचवा लेनी है। सबसे पहले हम स्टिकर सेक्शन में जाएंगे। स्टिकर सेक्शन में जाते हैं आपको सर्च करना है डेजर्ट। डेजर्ट के बाद आपको ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको इसको अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। फिर आपको स्टिकर सेक्शन में जाने के बाद सर्च करना है शेडो। ये वाला पीएनजी आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस पीएनजी से होगा क्या कि ये जो फोटो है वो ज़्यादा रियल लगेगी, ताकि इट हैज़ अ शेडो कमिंग ऑन इट फ्रॉम द अपर साइड। फिर उसके बाद आपको सेम टू सेम फोटो वापस से ऐड कर लेना है, ताकि आप ज़्यादातर डिटेल्स छुपा सकें। फिर उसके बाद आपको ये वाला पीएनजी जो है नीचे लिंक में मिल जाएगा, इसको आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर वापस डुप्लीकेट बनाकर ऐसे आप सेट करते जाइए और अपने फ़ोटो में इसको ब्लेंड करते जाइए, ताकि इट विल लुक मोर रियल। फिर आपको क्लोन सेक्शन यूज़ करना है, ताकि ये जो सारा है एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। फिर आपको जाना है स्टिकर सेक्शन में। मून सर्च करके आप ये वाला मून वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इस मून को अपनी फ़ोटो की टोन के हिसाब से मैच कर लीजिए, ताकि इट वुड लुक मोर रियलिस्टिक। फिर आपको अगेन स्टिकर सेक्शन में जाके बलून चूज़ कर लेना है, ताकि इस मून में हम वो बलून वाला इफ़ेक्ट दे सकें। फिर आपको वापस अगेन स्टिकर सेक्शन में जाके ये वाली रोप चूज़ कर लेनी है, और फिर इसको आपको स्ट्रेच करना है अप टू दी फेस ऑफ बलून, ताकि ये लगे कि उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप इसको रफ़ कर लीजिए, वो वाला पार्ट जो आपके काम का नहीं है, जिससे ये फ़ोटो आपको एक रियल वाली फील दे दैट यू हैड इन रियल दैट रोप इन योर हैंड विच इज़ कनेक्टेड विद द मून। और इतना सब होने के बाद ये फोटो कुछ आपको आखिरी में ऐसी लगेगी। फिर आप इस फोटो की लाइटरूम में रीटचिंग कर लीजिए। आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसकी रीटचिंग करिए। ये कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग रीटचिंग करी थी, इसलिए मैंने पहले से ही इसकी सेटिंग्स कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से उसका बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। और इतना सब होने के बाद ये फ़ोटो कुछ ऐसी से ऐसी हो जाएगी।